दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हाँ बुमराह एक बढ़िया कैप्टन है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साल 2021 में टेस्ट की ट्रॉफी नहीं आ पाई तो वहीं उस ट्रॉफी को लाने भारत लाने के लिए इंडियन टीम पूरी तरह तैयार दिख रही है। कुछ चीज़ें ऐसे भी हो गई जिससे उस ट्रॉफी को लाने से पहले कई रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो गए, जैसे पंत और जडेजा की साझे रिकॉर्ड ले लो या बुमराह के 35 रन का ओवर का रिकॉर्ड देख लो। सभी रिकॉर्ड इंडियन टीम तोड़ने में लगी है। वहीं रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते विराट भाई चाह रहे थे कि क्यों ना लगे हाथ बैरिस्टों को भी तोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं तीसरे दिन की हुई विराट और बैरिस्टों की लड़ाई के बारे में। अब अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट है तो चैनल पर बने सब्सक्राइब बटन को टच कर दें, हमारा भी भला हो जाएगा। वैसे हम आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई यह लड़ाई। दरअसल वह यूँ दूसरे दिन से बैरिस्टों क्रीज पर जुटे हुए थे, तीसरे दिन भी वह खिसकने का नाम नहीं ले रहे थे और विराट को यह पसंद नहीं था। फिर उन्होंने स्लेजिंग करना स्टार्ट किया जिससे बैरिस्टों को गुस्सा आ गया और वो भी कुछ बोले, और इसके बाद विराट ने सेटअप बोल दिया। बैरिस्टों भी खूब गुस्से में दिखाई दे रहे थे, लेकिन बगल में खड़े बेन स्टोक्स ने बीच बचाव किया और वह इस बीच बचाव में सफल भी रहे। आपको बता दें कि इंग्लिश टीम ने तीसरे दिन की शुरुआत काफ़ी तेज की। उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। बैरिस्टों 80 गेंद पर अपनी 50 पूरी की। दूसरे दिन वह 47 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने कप्तान बुमराह समेत भारत के सभी गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 100 रन ठोंक दिए, लेकिन 100 रन पूरा करने के बाद कुछ खास नहीं कर पाए और पूरी टीम 284 रन पर ऑल आउट हो गई। और इसके साथ विराट भाई की स्लेजिंग भी अपना काम बाखूबी कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हाँ विराट ने ऐसी स्लेजिंग और ऐसे गुस्से में दिलाकर इंग्लिश टीम के साथ ठीक किया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।